हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष। दोस्तों, आज हमारे पास है टीवीएस की तरफ से जुपिटर क्लासिक 2021 मॉडल। तो इसके कुछ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन जानते हैं इस पूरी वीडियो में, साथ ही मैं आपको क्या प्राइस पे करना पड़ेगा स्कूटर के लिए मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ जानने के लिए डिटेल से। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे, साथ ही में ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेट बने रहेंगे। तो जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है जुपिटर रेंज का, वो शुरू होता है 65,000 रुपीज से। और इसके टॉप मॉडल यानी कि ZX डिस्क विद इंटेली गो की एक्स शोरूम प्राइस है 74,000। दोस्तों, आप जो वीडियो में स्कूटर देख रहे हैं ये इसका क्लासिक एडिशन है, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 74,600 रुपीस देखने को मिल जाता है। ऑन रोड सभी पेपर वर्क वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद आपको कंप्लीट 89,000 रुपीस का पड़ता है। मैंने एक आपको एस्टिमेटेड प्राइस बताया, अगर आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाय टीवीएस डीलरशिप पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अब इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसका क्रीम कलर बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, साथ ही में एक आपको एक अच्छी फील प्रोवाइड कराता है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाले स्कूटरों में से एक है। साथ ही में इसका जो माइलेज है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको स्कूटर कैसा लगता है। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस को लेकर बात करते हैं, तो इसका जो फ्रंट टायर साइज है वो आपको 90x90 का R12 यानी कि 12 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा आपको टायर साइज देखने को मिल जाता है, 12 इंच काफ़ी बढ़िया रहने वाला है स्कूटर के हिसाब से। आपको इंडिकेटर्स की बात करें, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, बॉडी इंडिकेटर इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर जुपिटर के लुक और डिज़ाइन को लेकर बात करें तो आपको कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, काफ़ी क्लासी सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप इसका हैंडल बार चेकआउट कर पा रहे होंगे, आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है जो इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांसिंग बना देता है। इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही में जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे इसमें आपको हाई बीम लो बीम बटन, पास बटन, टर्न इंडिकेटर बटन और हॉर्न बटन देखने को मिल जाता है। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको काफ़ी प्रीमियम नॉर्मल एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि आपकी स्पीड, ट्रिप, फ्यूल कैपेसिटी, साथ ही में आपको कुछ इंडिकेशंस और पावर और थ्रस्ट का ऑप्शन दिखाएगा। की लॉक की बात कर लें तो आपको मल्टीफंक्शन की लॉक देखने को मिल जाता है, जिससे अपनी फ्यूल लिड और आप अपना बूट एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, फुटरेस्ट की बात करें तो एक एम्पल अमाउंट ऑफ फुट स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो एक आपको एक इजी गोइंग राइड प्रोवाइड कराता है। आपको कुछ फ्रंट में जैसा कि चेकआउट कर पा रहे होंगे स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अपना मोबाइल कैरी कर पाएंगे, साथ ही में इसमें आपको मोबाइल चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, नो डाउट इस प्राइस सेगमेंट में काफी सही आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे गाड़ी के डायमेंशंस की, तो आपको 1834 mm गाड़ी की लेंथ देखने को मिल जाती है। हाइट की बात करें तो आपको 115 mm ग्राउंड से हाइट देखने को मिलेगी फुल बॉडी की। सीट हाइट की बात करें तो आपको 765 mm सीट हाइट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इसमें आपको 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि एक स्कूटर के हिसाब से काफ़ी सही रहता है। सीटिंग को लेकर बात कर लेते हैं, जैसा कि आप दोस्तों चेकआउट कर पा रहे हो, काफ़ी प्रीमियम सीट देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको बैकरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांसिंग बनाता है, साथ ही में पिलियन के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल राइड प्रोवाइड कराता है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो आपको 21 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आप एक फुल साइज हेलमेट और थोड़े पेपर वर्क वगैरह लग पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे जुपिटर की बैजिंग जो है वो आपको 3D एम्बलम देखने को मिल जाता है क्रोम फिनिश में, साथ ही में आपको क्लासिक की जो बैजिंग है वो आपको स्टिकर फॉर्म में देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका जो बूट है वो आप इधर से एक्सेस कर पाएंगे, फ्यूल लिड आप फ्रंट से एक्सेस कर पाएंगे इसके की लॉक से डायरेक्टली, तो आपका जो फ्यूल लिड है वो आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। साथ ही में इस प्राइस सेगमेंट में अब ज़्यादातर गाड़ियाँ प्रोवाइड कराने लगी हैं, पहले सबसे पहले जुपिटर ने ही इसको शुरुआत करी थी। आपको पीछे की तरफ TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है, पीछे की बैक लाइट की बात करें यानी कि बैक यूनिट की, तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके मेन हार्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो इसमें आपको 109cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको CVTi फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। पावर और टॉर्क की बात करें तो आपको 7.47 PS का पावर गाड़ी जनरेट करती है 7000 RPM पर और 8.4 मीटर मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 5000 RPM पर। दोस्तों, आपको रियर में 3-स्टेप एडजस्टेबल कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे इसमें आपको CVTi की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको 90x90 का R12 यानी कि 12 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों कुछ ओवरऑल गाड़ी के डायमेंशंस और कुछ ऐसी बिल्ड क्वालिटी रहने वाली मैंने आपको एक क्विक रिव्यू प्रोवाइड कराया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, टू व्हीलर राइड कर समय हेलमेट का यूज़ ज़रूर करिए, इससे आपकी भी सेफ्टी है और सामने वाले की भी।